नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। तो आज की वीडियो हम जिस जो बनाने जा रहे हैं, वो मैंने एक वीडियो देखा था फेसबुक पे, जिसमें मौलाना हमारे श्री कृष्ण भगवान के बारे में और श्री रामचंद्र जी के बारे में कुछ बता रहे हैं। जैसे कि अगर वो भगवान हैं, तो जब वो वन में सो रहे थे, तो कोई आखेटक आता है और एक तीर चलाता है जो श्री कृष्ण भगवान के पैर में लग जाती है और वो अपना देह त्याग देते हैं। हालांकि यहाँ से अपने बैकुंठ लोक में चले जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन उनका कहना है कि अगर वो भगवान है तो एक आखेटक के तीर से कैसे मर जाते हैं, जहर लग जाता है तो कैसे मर जाते हैं। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा। पहली बात तो क्योंकि वो अवतार हैं, क्या हुआ कि इन कंस कंस के प्रभाव से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। तो इसके हिसाब से और कुछ और कार्य था, जैसा कि उसमें महाभारत भी शामिल है। पहले हम आपको चाहेंगे कि आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मौलाना ने हमारे कृष्ण भगवान, हमारे श्री रामचंद्र जी और गुरु गोविंद जी के भी बारे में भी कहा है और महावीर जी के भी बारे में कहा है। सो आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम उस वीडियो के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। कृष्ण जी इंसान थे और कृष्ण जी जंगल में सो रहे थे, और पढ़िए महाभारत, कृष्ण जी जंगल में लेटे थे। एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया और उसने हिरन को तीर मारा और उस तीर में जहर लगा हुआ था। जहर कि हिरन को लगेगा, जब तक उसके पास भाग के जाएंगे तब तक उसके जहर से वो मर जाएगा और हम उसको पकड़ के ले आएंगे और अपने यहां खा लेंगे। शिकारी हिरन का शिकार करने गया, उसने हिरन को तीर मारा लेकिन हिरन को तीर नहीं लगा। कृष्ण जी सो रहे थे, जंगल में लेटे थे, उनके पैर के निचले हिस्से में, तलवे में वो तीर घुस गया, जहर लगा था। जहर के असर से कृष्ण जी मृत्यु पा जाते हैं, कृष्ण जी चले गए। भगवान है कृष्ण जी और तीर में लगे हुए जहर के असर से मृत्यु पा जाते हैं। इंसान है लेकिन उनको भगवान का दर्जा देके क्या कह दिया गया, कृष्ण भगवान। रामचंद्र जी 14 साल का वनवास लिए, इतने बेबस कि उनकी पत्नी सीता को रावण लेके चला गया, वो बचा नहीं सके। हनुमान और लक्ष्मण जी को तलाश करने के लिए भेजा लेकिन रामचंद्र जी को राम मनुष्य से निकाल कर, इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया, राम को राम भगवान। सिखों को देख लो, महावीर सिखों को गुरु नानक पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सिखों के टेंपल में, मंदिर में, गुरुद्वारे में चले जाइए तो गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है गुरु नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ, महावीर जी को मानते हैं, लिखा महावीर भगवान। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं रहा जिसने अपने यहां आने वाले इंसान को, महान पुरुष को, पुरुष रहने दिया हो, इंसान भगवान का दर्जा दे दिया, भगवान का। तो जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि अगर श्री रामचंद्र जी या फिर श्री कृष्ण भगवान अगर भगवान है तो तीर लगने से उनकी जान चली जाती है, या फिर श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा गया है कि सीता को रावण हर लेके चला जाता है। तो शुरुआत करता हूँ मैं श्री कृष्ण भगवान से। हालांकि हमारे नारायण के अवतार का माने जाते हैं, माने नहीं जाते हैं, इसके हिसाब से हम उनको भगवान मानते हैं। और भगवान मानने का एक और कारण है कि उन्होंने खुद ही महाभारत में गीता उपदेश के समय अपना ईश्वरी रूप, ईश्वर रूप अर्जुन को दिखा करके बताया है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो ये तो कंफर्म हो जाता है कि वो हमारे भगवान हैं। दूसरी बात आई जो कि पैर में उनकी तीर लग गई, तो ये कहानी स्टार्ट होती है रामन श्री रामचंद्र जी के युग से। जिस वक्त श्री रामचंद्र जी वनवास में सीता हरण के बाद जब बाली वध के लिए जाते हैं, जो कि बाली एक वानर राज बाली थे जिनको एक वरदान प्राप्त था कि अगर कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति रहने दो, दुनिया का कोई भी बलवान व्यक्ति रहने दो, अगर सामने से उनसे युद्ध करता है तो उसकी आधी शक्तियां बाली को मिल जाती है। तो इस हिसाब से तो कोई भी बाली से जीतने से रहा। तो इसके चलते पेड़ के पीछे से छिप करके और बाली को बाण मारते हैं, बाली पे प्रहार करते हैं, जिससे बाली की मृत्यु हो जाती है। क्यों? परंतु ये जो था यह धर्म के विरुद्ध था, जिस वजह से बाली ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों। तो इस बात पे श्री रामचंद्र जी बोले कि हाँ, ये जो भी था धर्म के विरुद्ध ही था, लेकिन जरूरी था, और इसके प्रति जो भी होता है, क्योंकि मैं मनुष्य मृत्यु लोक में मनुष्य अवतार लेके आया हूँ, तो मुझे मेरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। मैं इस कर्म का फल जब महाभारत युद्ध हो जाएगा उसके बाद मैं वन में आराम से बैठा रहूँगा, उस टाइम पे तुम आओगे और आखेटा के रूप में आकर के मुझे बाण मारोगे और उस वक्त मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा। ऐसा कहने के बाद वनराज वाली मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब पॉइंट नंबर दो पे आते हैं। पॉइंट नंबर दो के अनुसार जिस वक्त महाभारत युद्ध की तैयारी चल रही थी, उस वक्त एक योद्धा था जिसका नाम बर्बरीक था, जिन्होंने महाभारत पढ़ा है इन्होंने भी कहा है कि हम महाभारत पढ़िए, तो अगर इन्होंने महाभारत पढ़ा है तो इनको मालूम होना चाहिए कि बर्बरीक के अनुसार वो उस पक्ष से युद्ध करेगा जो पक्ष कमजोर होगा। तो और वो उसने कृष्ण भगवान को कहा कि मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं एक बार में पूरे महाभारत को खत्म कर सकता हूँ। अब हालांकि श्री कृष्ण भगवान तो नारायण के अवतार सर्व ज्ञानी, उनको पता था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मुझे दिखाओ। एक वृक्ष को बताया कि उसकी पत्ते एक बार में उस सारे पत्ते को भेद करके दिखाओ, और क्या किया कि एक पत्ता तोड़ के और अपने पैर के नीचे दबा ली। बर्बरीक अच्छा योद्धा था, उसने तीर चलाया, पूरे पेड़ के पत्ते को भेद दिया। भेदन करने के बाद एक पत्ता, जो पत्ता श्री कृष्ण भगवान के पैर के नीचे था, वहां पे आकर के वो बाण रुक गया, क्योंकि वो तो नारायण थे। तो इसके अनुसार उन्होंने कहा कि हे बर्बरीक, तुम मेरे पैर की वजह से तुम्हारा एक पत्ता अभेद्य रह गया, लेकिन आज के बाद यही एक मेरा पैर है जो कि कमजोर हो गया है और जिसको भेदा जा सकता है, और यही कारण बनेगा मेरे बैकुंठ पधारने का और मुझे देह त्यागने का। तो इस ये सब रीजन था जिसके वजह से, ये सब प्री डिफाइंड है। वो कहते हैं ना कि महाकाल, एक हमारे महाकाल है जिनमें पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब रहता है, तो ये प्री डिफाइंड था पहले से कथा कथित। और इसी के हिसाब से वो जो आखेटक था, वो पुराण जो हमारे सतयुग का बानर राज बाली था, जिसने तीर चलाया था। तो ये रही श्री कृष्ण भगवान की कहानी। अब चलते हैं श्री रामचंद्र जी के पॉइंट पे। जैसा कि इन्होंने कहा है कि सीता जी का हरण हो गया। आपको बता दें, रामायण के बाल कांड के बाद जब अयोध्या कांड शुरुआत होता है और श्री रामचंद्र जी ताड़का वध करने के बाद सीता स्वयंवर में जाते हैं, उस वक्त रावण भी वहां पे मौजूद होता है, और वहां पे श्री रामचंद्र जी की, क्योंकि रावण एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था, और उसके वजह से वो उसने श्री रामचंद्र जी के हाथ दे करके बोला कि आपको हमारे लंका में आना पड़ेगा और आपके ही हाथों हमारे लंका का विनाश और मेरी मृत्यु लिखी हुई है। अब ये पहले से ही रावण को पता है और श्री रामचंद्र जी को भी पता चल गया है। हालांकि श्री रामचंद्र जी ईश्वर के अवतार थे, उनको सब कुछ पहले से पता था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण हर एक चीज मर्यादा में रह के ही करना था। भले ही मैं भगवान हूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि एक चुटकी बजाया और चलो भाई काम हो गया। प्रकृति के हिसाब से करना था, कुछ भी चमत्कार नहीं कर सकते थे। ठीक है, भले ही वो भगवान के अवतार थे
मनुष्य योनि में जन्म लिया था उन्होंने, तो उनको मनुष्य की मर्यादा के अनुसार काम करना था। हुआ ये कि वनवास के बाद एक हिरण, जो सोने सोने का हिरण ही कह लीजिए उसको, अब सोने का हिरण उतना प्रतापी पुरुष, मान लेते हैं अगर वो भगवान नहीं है फिर भी उतना प्रतापी पुरुष, अगर उसको पता होगा कि दुनिया में सोने का हिरण नहीं होता है, फिर भी उसने अपनी धर्मपत्नी सीता जी के कहने पर वो आखेट करने के लिए जाते हैं। हालांकि वो तो भगवान के अवतार थे, उनको पता था कि ये कोई हिरण नहीं है, माया है, फिर भी वो लोग चले गए। उसके बाद सीता का हरण होता है और हरण होने के बाद भी वो मर्यादा में रह करके प्रकृति के साथ, प्रकृति के अनुसार ही अपनी अर्धांगिनी यानी माता सीता की खोज करते हैं, रावण से युद्ध करते हैं और जीत करके वापस आते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रामावतार हुआ ही था रावण का वध करने के लिए और मनुष्यों को ये बताने के लिए कि धर्म के अनुसार मर्यादा में भी रह करके विजय प्राप्त की जा सकती है। तो इसके वजह से हम लोग कभी भी आप देखेंगे तो हम क्या चाहते हैं, राम राज्य ही चाहते हैं। कोई भी बोलता है राम राज्य अगर आ गया तो पूरी दुनिया सुरक्षित रहेगी, यह ऐसे ही नहीं बोला जाता है। इसी वजह से श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ और उन्होंने अपने आप को मर्यादा में रखा, मर्यादा रहित उन्होंने पूरे कार्य किए और रावण का वध भी किया और धर्म की स्थापना भी की। इस आशा है आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है, मिथ्या है, तो आप कमेंट में बताइए, हम उसकी पुष्टि करेंगे। धन्यवाद।